ये बेसिकली जिप स्क्रीन्स हैं फ्रॉम फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया। बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं डी आर्क बिल्ड एक्सपो में, जहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर जो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के मेस मैनुफैक्चर करते हैं और साथ ही मोटराइज्ड, ऑटोमेटिक, मैनुअली, जिस भी टाइप में आप मांगोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स की आपको नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। हेलो, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हमारी कंपनी ऑसम स्क्रीन्स, हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इंसेक्ट स्क्रीन सिस्टम्स के लिए, जिसमें हर तरह की मैनुअल, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्पिटिटिव मेशर्स अवेलेबल हैं, मोटराइज्ड मेशर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग हाई एंड, टॉप एंड DGU ग्लास ब्लाइंड्स में डील करते हैं, स्काईलाइट ब्लाइंड्स करते हैं, तो आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं हम लोग, जो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। अच्छा, तो ये सब आप मैन्युफैक्चर करते हैं या किस तरह से आप? हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी है वो पूरी पैन इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं, जो भोपाल फैक्ट्री से होती है। हमारी MP भोपाल में फैक्ट्री है। वी हैव अबाउट 30,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है, जिस यहाँ से हम ये सारी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, खासियत क्या रहती है एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज के बारे में। श्योर, मैं आपको बेसिकली आपके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं तो उसमें देखा कि आपने स्टैंडर्ड स्क्रीन्स तो कवर करी हुई हैं। स्टैंडर्ड स्क्रीन्स के अलावा हम हाई एंड स्क्रीन्स की बात करते हैं। जैसे अभी एक मेरा सिस्टम है फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया का, ये हाई राइज बिल्डिंग्स, जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, हवा का प्रेशर, विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के लिए, ताकि मेश कम्स ऑफ ना हो, बाहर ना निकले। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, आइए। ये बेसिकली जिप स्क्रीन्स हैं फ्रॉम फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया, बड़े स्पैन के लिए। जैसे जनरली पुराने जो प्लीटेड स्क्रीन्स होती थी, ये 4-5-6 फुट के ऊपर एडवाइजेबल नहीं होती, तो ये स्क्रीन हम 10-20 फुट तक भी हम कर सकते हैं, 20 फीट तक सेंटर ओपन में कर सकते हैं और 10 फीट तक सिंगल पीस में। और ये कंसील्ड होती है, आप देंगे ऊपर नीचे कितने भी अच्छे लेवल का विंड प्रेशर ये ले सकता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए होता है और बहुत इजी टू ऑपरेट होता है, एक बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। और ये फैब्रिक्स किस तरह के होते हैं? ये फाइबर ग्लास का फैब्रिक है। अच्छा, या अमेरिकन फैब्रिक है, फाइफर अमेरिका से ये इंपोर्ट होता है फैब्रिक। दे आर वन ऑफ द पायनियर्स इन इंसेक्ट स्क्रीन सिस्टम। और जो ये आप पैनल बनाते हैं, रन करते हैं, ये पैनल किस तरह के? एल्यूमिनियम इंडियन है सिस्टम, जो है कंपोनेंट्स इज एवरीथिंग इज इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ये मेश भी इंपोर्टेड है, फाइफर USA से है मेश। तो ये हमारा पायनियर सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो ये कस्टमाइजेबल होता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस साइज में हम आप कर देंगे? बिल्कुल कस्टमाइज है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा बना के देंगे, उस सिस्टम के अगेंस्ट देंगे। और एक हमारा ये सिस्टम है जो काफ़ी पॉपुलर है, हनीकॉम पार्टीशन डोर। कई जगह पे किचन और यू नो आपका डाइनिंग और ड्राइंग रूम साथ में होता है, तो किचन के जो स्मेल हैं, फ्यूम्स हैं और यू नो इन आउट सब विजिबल होता है, तो इससे आप वो लॉक कर सकते हो। इसको टेम्प्रेरी पार्टीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा कोलैप्स कर जाता है एक साइड, तो इसके अंदर से कुछ भी स्मेल या कुछ भी कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई एयर पैसेज नहीं होगा और साउंड प्रूफिंग भी एक लेवल तक ठीक ठाक ये करता है, सो दैट आप यू नो यू कैन कीप प्राइवेसी, आप थोड़ी सी प्राइवेसी रख सकते हैं। जैसे एसी का हवा भी इधर? बिल्कुल बिल्कुल, एसी का हवा भी नहीं आएगा। और इनफैक्ट कई बार लोगों के रूम्स बहुत बड़े होते हैं, यू नो डाइनिंग और ड्राइंग रूम साथ में, तो एसी इफेक्टिव नहीं होता, तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्काईलाइट ब्लाइंड्स करते हैं, आप इधर से आइए, मैं दिखा दूँगा। आजकल बहुत इन है ये, लोग ऊपर पेंट हाउसेज में ग्लास के रूफ देते हैं, शीशे की छत बनाते हैं, जिसके अंदर समर्स में आपको कुछ चाहिए होता है ताकि हीट ट्रांसफॉर्म ना हो, तो ये स्काईलाइट ब्लाइंड है, सो कॉल्ड आप कह सकते हो कि छत के लिए कर्टन है, यू नो। और काफ़ी सारे जैसे परगोलाज लगाते हैं, उसमें भी यूज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये परगोला में भी यूज़ होता है और परगोला में जिप स्क्रीन यूज़ होती हैं बहुत अच्छे लेवल पे। ये पीछे चल रही है जिप स्क्रीन, तो ये जिप स्क्रीन इज़ मेंट फॉर परगोलाज, जिप लाइन मोटराइज मेश जो आप देख रहे हो। इसमें हम कस्टमाइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम 20 फुट तक सिंगल साइज बना सकते हैं। और इसे रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम है, 5 साल की गारंटी होती है इसमें, 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी है जिप स्क्रीन सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं खिड़कियों के लिए, इसके लिए इसको हम DGU ब्लाइंड कहते हैं, डबल ग्लेज यूनिट। इंटरनेशनली इसको IG ब्लाइंड भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ब्लाइंड। ये बेसिकली
शीशे के अंदर इंकॉर्पोरेट कर देते हैं। आजकल हाई एंड डोर विंडोज़ आते हैं, एक्सपेंसिव खिड़की दरवाजे आते हैं, तो लोग खिड़की दरवाजे कवर कर्टन से नहीं करते, डोर विंडोज़ के अंदर ही ये इंकॉर्पोरेट हो जाता है। इसमें मैनुअल और मोटराइज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। दिस इज मोटराइज। तो यू कैन स्टॉप इट वेयर एवर यू वांट टू, देन यू कैन। सो आजकल आफ्टर कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन थिएटर्स हो गया, आईसीयूज़ हो गए, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया इसको, बिकॉज जो पर्दे होते हैं, जो फैब्रिक होता है, वो जब आप टच करते हो तो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है वो। ये शीशे के अंदर इनकॉर्पोरेट है, आप ग्लास को डिसइंफेक्ट कर दो, साफ कर दो, क्लीन कर दो, तो बहुत ईजिली मैनेजेबल है, टच करने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ अगर सर देखिए इस मेस की बात करें, प्लेटेड मेस की बात करें, इसके बारे में बताएंगे सर? ये कैटरपिलर रिट्रैक्टेबल मेश है, बड़े स्पैन के लिए, जहाँ पे बड़ा स्पैन है और एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये पार्ट्स में आती है। इसको हम किसी भी स्पैन में बना सकते हैं, बड़े से बड़े स्पैन में, और ये कैटरपिलर जुड़ता जाता है, बनता जाता है। और बेस्ट पार्ट इस सिस्टम का है कि ये थ्रेशोल्ड नहीं है, बॉटम में कोई टक्कर नहीं बनती। सी आपको आते जाते ये पैर में अड़ता नहीं है, कोई टक्कर नहीं बनती बॉटम में, बंदा आराम से जा सकता है और ये बड़े आराम से फोल्ड हो जाते हैं। तो जहाँ पर कंटिन्यूस मूवमेंट है वहाँ पर आप काफ़ी। यस यस यस। और जो दूसरी स्क्रीन आती हैं हमारी, ये हमारी प्लीटेड स्क्रीन है, बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है और डिटैचेबल है। जैसे आप इसको कभी सात दो चार महीने बाद डस्ट आ जाता है तो यू कैन रिट्रैक्ट इट, बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन मैग्नेट सिस्टम है, मैग्नेट है, मैग्नेट इसके अंदर इंसर्टेड है, मैग्नेट। अच्छा, यू कैन फील इट, ये मैग्नेट का फील आता है। यस, एक नया प्रोडक्ट और हमने लॉन्च किया है परगोलास के लिए स्पेशली। जैसे लोग आउटडोर परगोलास बनाते हैं तो सन के हिस्से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, परगोला में आप बैठे हो डे टाइम में तो आपको सन कंट्रोल करना है, तो वी हैव दीज काइंड ऑफ ब्लाइंड्स। ये सनस्क्रीन फैब्रिक्स होते हैं, सर्च फरारी का फैब्रिक है ये, दे आर वर्ल्ड लीडर्स इन फैब्रिक्स, यू नो, सनस्क्रीन फैब्रिक, सॉल्टेज बोलते हैं इसको। तो ये आपको पूरी शेडिंग देगा, आपको जब नहीं चाहिए तो यू कैन कीप इट बैक। तो मेनली जैसे ये आउटडोर यूज के लिए है। हाँ, आउटडोर यूज के लिए है, तो वहाँ पर बारिश भी है, धूप भी है, बिल्कुल वाटर प्रूफ है ये। और ये फैब्रिक बना ही एक्सटीरियर पर्पज के लिए, जो धूप और बरसात से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। जैसे सर ये तो हमने बात कर ली, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेस मिल जाएंगे और भी, जैसे अगर प्राइसेस की बात करें, अगर बजट की बात करें, क्या एक बजट की हमारे पास प्राइसेस में, देखिए ये जो एग्जीबिशन है बेसिकली दिस इज़ मोर ओवर फॉर हाई एंड, यू नो, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो यहाँ पे हमने अपने टॉप लाइन प्रोडक्ट्स लगाए हैं, बट हमारे पास हर तरह का प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट सीरीज़ भी है, लो एंड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हर किसी के बजट में सूट करने वाला हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। कुछ प्रोडक्ट यहाँ शोकेस नहीं कर रहे हैं जो हमारे शोरूम में शोकेस होते हैं, तो वी हैव मैनी प्रोडक्ट्स, यू नो, इन द बकेट। अगर आपको बॉल पार्क आइडिया बताऊँ तो करीब 200 रुपये पर स्क्वायर फीट से हमारे जाली के सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं, इट गोज़ अप टू 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और मेस में देखिए सर, मेश की बात कर रहा हूँ आपको, जो बेसिक सिस्टम है वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं उसके कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली और अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे क्या सूट करता है, कितना विंड प्रेशर है, कितने बड़े स्पैन में जा सकते हैं, तो वो सारी हमारी टीम आपको एडवाइस करती है कि कैसे इसको हम लोग कहाँ पे क्या रिकमेंड कर सकते हैं। सर्विसेज की बात करें, वारंटीज़ की बात करें, सर्विस तो गुड है नहीं, वारंटीज़ किस तरह की? 2 साल की सिस्टम पर वारंटी होती है और मोटराइज सिस्टम से 5 साल की वारंटी होती है, मैनुअल पर 2 साल की होती है, जिसके अंदर मेश कवर्ड नहीं होती, बिकॉज मेश एक टेरेबल प्रोडक्ट है, अगर कोई एक्सीडेंटली किसी से गलती से कट जाए, फट जाए, तो उसकी गारंटी नहीं देते। सिस्टम पे गारंटी कवर होती है, जो मैनुअल सिस्टम पे 2 साल की, मोटराइज पे 5 साल की होती है, उसके बाद भी अगर कुछ इशू है तो वो चार्जेस के साथ वी कैन गेट इट रेक्टिफाइड, उसको ठीक किया जा सकता है। और अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारा दिल्ली में ऑफिस है, डिजिटल मार्केटिंग पे प्रेजेंस है, ऑसम स्क्रीन्स LLP के नाम से फेसबुक में हमारी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम में प्रेजेंस है, लिंक्डइन में प्रेजेंस है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग अवेलेबल, और यू कैन गो टू एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू विल गेट आवर कॉन्टैक्ट्स। अभी सर विजिटिंग कार्ड शो कर सकते हैं? श्योर। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और इसमें नीचे ये दिस इज़ माई पर्सनल नंबर, अगर आप पीछे जाएंगे तो मेरी टीम, मेरी बैक एंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं आप, बैक ऑफिस के सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन गेट देम कनेक्टेड
एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑसम स्क्रीन्स एक बहुत रिलायबल ब्रांड है और हमें मार्केट में प्रेजेंस हुए करीब आज 14 साल हो चुके हैं। और हम अगर नंबर्स की बात करें तो अगर वी स्टार्टेड विद इनसेक्ट स्क्रीन ओनली, हमने मच्छर जाली के जो सिस्टम आपने देखे इससे काम स्टार्ट किया था बनाने के लिए। आज हमारे पास प्रीमियम रेंज में बहुत सारी प्रोडक्ट रेंजेस हैं। बट अगर मैं इनसेक्ट स्क्रीन की बात करूँ तो दिल्ली NCR के अंदर ही हम आज कम से कम 2 लाख प्लस स्क्रीन्स लगा चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। यस अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि काउंट नंबर के हिसाब से क्वालिटी डिपेंड करता है सर, क्वालिटी मैटर करता है और वो आप उस पर खड़े उतरते हो। बिल्कुल। तो चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर कवरिंग अस, थैंक यू सो मच।